कितनी मिठास है इस नाम में पंकज। हाय राम, अपने मुंह से अपने पति का नाम क्यों लिया? क्यों? पति का नाम लेने से उनकी उम्र कम हो जाती है। क्या? हाँ, और आज तो अमंगली अमावस्या है, आज 6 बजे तक अपने पति का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। हाँ, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। ये क्या कर दिया आपने? एक तो वैसे ही वो मुझे कम देखते हैं, अब तो ये कांच भी टूट गया, अब तो बिल्कुल नहीं दिखूंगी मैं उन्हें। लेकिन आप चिंता मत करो बेटी, मैं अभी बाजार जाता हूँ और इसे ठीक करवा के ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं अदा, मैं खुद कर लूंगी। पलंग सा, परेश से कहिए कि बिस्तर से हट जाएं, हमें आराम करना है। अलवी, तुम ऐसा परेश परेश करके हमसे क्यों बात करता है? अभी अंकल जी सुन लेगा, आरती सुन लेगा तो तुम्हारे हमारे बारे में क्या सोचेगा? अगर तुमको हमको बुलाना ही है तो ऐसा बुलाओ ना। सुनिए जी, देखिए जी, तो ठीक है फिर डार्लिंग, डार्लिंग पे शटल करता है, ठीक है? डार्लिंग कह के बुलाओ। उंगली सा, परेश से कहिए कि हम उन्हें ऐसे नहीं बुलाएंगे। और परेश के अगर बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या बोला? अरे हम जल्दी मार जाएगा। परेश, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो पल्लवी। जानता है प्रीति वाली हमको बोला है कि अगर पत्नी अपने मुंह से अपने पति का नाम लेता है ना तो उसके पति का उम्र कम हो जाता है। कौन सा? परेश से कहिए कि हम उन्हें परेश कहकर ही बुलाएंगे, क्योंकि वो हमारे असली पति तो है नहीं, पति होने का सिर्फ रोल ही कर रहे हैं। तो फिर परेश बुलाकर उनकी उम्र कम क्यों होगी? एक ही लाइन में कितना बार तुम और परेश परेश बोल दिया है? जानता है तुम जितनी बार हमको परेश परेश बोला है उतना ही हमारा जिंदगी में से एक एक दिन करके कम हो गया है, इतना बात तुम नहीं समझता है? और अगर तुमको नाम देना ही है तो मोहित का लो ना। बेल्सा, हम तुमको बेल दिखता है? बेल्सा, परेश से कहिए कि हम उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि इससे उनकी उम्र कम हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब इसके मुंह से वो मोहित का नाम निकलना पड़ेगा। हरिराम, हरिराम। क्या हुआ अंकल, कुछ काम था? हाँ बेटा, हरिराम के हाथों ये बैग मेरे क्लाइंट को भिजवाना था। क्या है इसमें? इसमें पैसे हैं बेटा, कैश। कितना कैश? 6.5 लाख रुपए हैं। इतने पैसे आप अदा के हाथों भिजवाएंगे अंकल? बेटा हरी अदा जो है वो मेरा बहुत ही पुराना और वफादार नौकर है। नहीं नहीं अंकल, मैं अदा पे शक नहीं कर रही, क्या है कि अब उनकी उम्र हो गई है, कोई भी चीज कहीं भी रख के भूल जाते हैं वो, ऐसे में इतने पैसे उनके हाथों भिजवाना थोड़ा। बेटा ऐसा कभी हुआ है कि हरिराम अदा सब्जी लाते वक्त 2 बैंगन कहीं भूल आए या फिर 2 प्याज कहीं भूल आए? अरे आलू का छोटे से छोटा टुकड़ा भी वो ले आता है। ठीक है मालिक, आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ हरिराम, ये बैग है और ये पता है, इस पते पे इस बैग को पहुंचा दो। ठीक है मालिक। माफ करना मालिक, इस बैग में है क्या? अदा, ऐसा समझिए इसमें आलू प्याज वगैरह है। मतलब सब्जी है। ठीक है मालिक, पहुंचा दूंगा। हम क्या बोलता है, वो जो मोहित का बाप है, पिताजी पिताजी मतलब तुम्हारा होने वाला ससुर जो है उनका नाम क्या है? अंगूठी सा, परेश से कहिए कि उनका नाम रतनमल है। अच्छा अच्छा, और तुम्हारा होने वाला सासू माँ का नाम क्या है? नाखुन सा, परेश से कहिए कि उनका नाम केसर बाईसा है। अच्छा, ये जो केसर बाईसा है और रतनमल सा है, इनका एक तो बेटा है ना, उसका क्या नाम तुम हमको बोला था, बोलो जरा। हादसा, परेश से कहिए कि हम उनका नाम नहीं ले सकते। मत बोलो, मत बोलो, तुम उसका नाम नहीं बोलना है मत बोलो, किंतु हमारा नाम भी मत बोलो। जिसका उम्र बढ़ाना चाहिए उसका बढ़ाता नहीं है, जिसका घटाना चाहिए उसका घटाता नहीं है, कैसा बीवी है तुम? हमारे साथ में ऐसा क्यों करता? नहीं रहने सकता हम तुम्हारे साथ में। पल्लवी भाभी, परेश भैया आपने अपूर्व को देखा? नाम मत लो तुम उसका। क्यों, उसने क्या किया? ना ना, मतलब हमारे बोलने का मतलब है कि तुम अपना मुंह से उसका नाम मत लो। क्यों, हुआ क्या? देखो प्रीति भाभी हमको ऐसा बोला है कि अगर पत्नी अपना मुंह से पति का नाम लेती है तो उसका उम्र कम हो जाता है। परेश भैया आप भी अंधविश्वास की बातें करते हैं, पति पत्नी अगर एक दूसरे को नाम से बुलाए
उनमें दोस्ती और प्यार बढ़ता है। अच्छा, मतलब नाम लेने से कोई नुकसान नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर अपूर्व कहीं मिले ना तो उसे कह दीजिए कि मैंने बुलाया है। हाँ, बोलता है, मिलेगा तो बोलता है। अब लो, जितना तुमको हमारा नाम लेना है ना, लो जी मार के लो। निकले हुए पेट सा, जरा इनसे कहिए हम इनका नाम क्यों ले, हम तो अपने मोहित का नाम लेंगे। बहुत बढ़ गया है, क्या बोलता है? नमस्ते मैडम, भैया मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे ये चश्मा ठीक करने का है। ओके, दोनों कांच डालने, ठीक है। क्या नंबर लिखो? लेफ्ट में -1.5। हाँ। और राइट में भी -1.5। मैडम शाम को मिलेगा और 600 रुपये हो गए। हाँ हाँ, चलेगा मेरे को। नाम क्या लिखूं? किसका नाम नहीं, मतलब जिनका चश्मा है उनका नाम। मैं उनका नाम नहीं ले सकती। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि रिसिप्ट में नाम क्या लिखूं? क्या मुसीबत है, क्या नाम दो? अच्छा ठीक है, मैं ना आपको हिंट देती हूँ। वो जो भोले है। हाँ, यानी मिस्टर भोला। अरे नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, दूसरा हिंट देती हूँ। वो जो हमेशा सच बोलते हैं। हाँ, यानी मिस्टर सत्यवादी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, सत्यवादी तो उनका गुण है। मैडम आप उनके गुणगान बाद में गाइए, मुझे पहले उनका नाम बताइए। मैं तो उनका नाम सोच भी नहीं सकती। उसके बगैर हम ऑर्डर ले नहीं सकते। ऐसा कीजिए, आप उनका नाम लिख के दीजिए। नहीं नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू। शाम को ना? जी शाम। थैंक यू। लेकिन दलपत, हरिराम तो कब का निकल चुका है, अभी तक नहीं मिला। ओफो, ये हरिराम कहाँ चला गया? खैर कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अंकल कुछ टेंशन है? अरे हरिराम को एक थैला लेकर भेजा था दलपत को देने के लिए, दलपत उसका इंतजार कर करके थक गया, वापस चला गया और हरिराम अभी तक पहुँचा नहीं। हाँ तो इसमें क्या टेंशन है? उसमें 6.5 लाख रुपए थे और हरिराम अभी तक पहुंचा नहीं। ये तो बहुत बड़ा टेंशन है। पता नहीं कहाँ गया होगा। कहीं हरिराम ही पैसे लेकर उड़न छू तो नहीं हो गया? मालिक। अरे हरिराम कहाँ रह गए थे तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब क्या बताऊँ मालिक, रास्ते में एक चोर मेरे हाथ से थैला छीनकर भाग गया। क्या? हाँ मालिक, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भाई इसमें खाली आलू प्याज हैं, पैसे नहीं है, फिर भी वो थैला लेकर भाग गया। लेकिन मालिक चिंता मत करो, मेरी अंदर की जेब में ना थोड़े से पैसे थे। सबसे पहले मैंने थैला खरीदा, फिर आलू प्याज और बैंगन खरीदे, लेकिन वो दलपत भाई साहब का मेरे से पता खो गया। अब बताइए ये थैला कहां पहुंचाना है? अब ये थैला पहुंचाकर क्या करोगे हरिराम? थैला तो वो पहुंचाना था, क्योंकि उस थैले में 6.5 लाख रुपए थे। क्या 6.5 लाख? अब ठीक है। अरे पिछाओ, बैठो, पानी ले आओ, पानी ले आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? चक्कर। पानी पानी पानी। हरिराम, हरिराम, अबे माँ, हरिराम। माँ माँ, बस माँ, ठीक हो गए माँ? हरिराम तुम ठीक तो हो? हाँ मालिक, लेकिन मालिक आरती बेटे ने तो मुझे ये कहा था कि समझ लो इसमें आलू और प्याज है। हाँ दब,
मैंने ऐसा कहा था क्योंकि अगर मैं आपको बताती उसमें पैसे हैं तो आप टेंशन में आ जाते ना। देखिए नारती बिटिया, टेंशन में तो मैं अब आया हूँ। हरियादा, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाइए अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। जाइए, माफ कीजिएगा मालिक। ठीक है ठीक, कोई बात कोई बात, मैं आऊँ। अपूर्वा नहीं नहीं, मैं चले आऊंगा। गिरना मत। हाँ हाँ हाँ, पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं समझी जी, पुलिस की क्या जरूरत है, अपना परेश है ना, सब चोरों को जानता है। परेश सारे चोरों को जानता है? नहीं, माँ के कहने का मतलब यह है कि परेश भैया वकील हैं तो कोर्ट में ऐसे लोगों से अक्सर पाला पड़ता रहता है। तो परेश भैया हमारी हेल्प कर देंगे। हम तुम्हारा हेल्प करेगा किंतु हमारा एक शर्त है। बोलो बोलो क्या शर्त है? अगर ए पल्लवी हमको प्यार से रिक्वेस्ट करेगा तो हम कैसे भी करके किधर से भी अंकल जी का 6,500 रुपए ढूंढ के लाएगा और सामने में रख देगा। झुमका साहब इनसे कह दीजिए, हाँ हम इनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम भी कोई 6,500 रुपए ढूंढने में तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, बोल लेता है। बस कीजिए। अपूर्वा तुम्हारी कॉफी। दो ना आरती, क्या कर रही हो? काम कर रहा हूँ मैं। दो ना काम कर रहा हूँ मैं, ऑफिस में काम करते हो, यहाँ पर भी काम। दिस इज नॉट फेयर अपूर्वा। ओके 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 ओके, बैठो 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 बैठ। अब रोमांटिक बातें करते हैं। रोमांटिक बातें और हम दोनों के बीच अब कोई नहीं आएगा। ओके पंकज भैया। अपूर्व भैया, हम बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता करने के लिए यहाँ हैं। जी लेकिन हम भी अपनी बीवी के साथ महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं, हम बाद में बात करें। नहीं, हमें अभी बात करनी है, हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे। तो फिर ठीक है ना, तो कल सुबह बात करते हैं, अधिक समय नहीं लेंगे तो। किंतु अपूर्व, अपूर्व क्या कह रहे हो तुम? पंकज भैया को कोई जरूरी बात करनी होगी। पंकज भैया आप आइए बैठिए, मैं अभी। तो ब्रह्मचर्य, बोलो क्या भाई? देखिए आपके भाई का चरित्र चित्रण करने के लिए हमने आपसे अभी तक 352,832 रुपए लिए हैं। हाँ। किंतु प्रीति जी की बाल चेष्टाओं से हम व्यथित हैं और एक मिनट, प्रीति से परेशान होकर अगर तुम अपने पैसे बढ़ाने की मांग कर रहे हो तो वो तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है वो, और ये वक्त सौदेबाजी का नहीं है। सौदेबाजी? हम आपसे धन मांगने नहीं लौटाने आए हैं। ये लीजिए आपके 832 रुपए। अच्छा हाँ, लेकिन और शेष 352,000 हम व्यवस्था होने पर आपको लौटा देंगे। अरे लेकिन पैसे क्यों लौटा रहे हो? हमने कहा ना, हम प्रीति जी से व्यथित हैं और उनके कारण हमारा ब्रह्मचर्य का व्रत टूटे, हम ये सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? हम घर जा रहे हैं। क्या? बंगाली, तेरा हरा बैग। अच्छा हुआ आप मिले, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। कल आप बाजार गए थे? हाँ गया था। एक चोर ने आपकी बैग चुरा ली थी? हाँ। तो उस चोर को मैंने पकड़ लिया। अच्छा, अपना बैग मिल गया। एक आदमी मुझे देखे गया है, उसी ने चोर से छीना था।